तो दोस्तों अभी आपने पिछले वीडियो में देखा था कंडोलिया टेंपल जो कि काफ़ी बढ़िया था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो यार अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम निकल रहे हैं क्यों कालेश्वर मंदिर के लिए, जो मंदिर यहाँ से करीबन थोड़ी सी ही दूरी पर है, और उससे पहले पड़ेगा रांची स्टेडियम, और यहाँ पे गाय माता रास्ता दीजिए। तो बस निकल पड़े हम क्यों कालेश्वर के लिए। पौड़ी आएंगे तो पौड़ी में देखने लायक बहुत सी जगह हैं, उनमें से आपने देखी होगी पिछले वीडियो में कंडोलिया टेंपल, बढ़िया है। उसके बाद जब आप कंडोलिया देख लेंगे तो आप यहाँ आ सकते हैं आगे के लिए क्यों कालेश्वर के लिए, जस्ट उसके बगल से रोड कटती है, तो अभी हम उधर को ही निकल रहे हैं। तो ये आप मेरे सामने देख सकते हैं एशिया का सबसे ऊँचाई पर स्थित ये स्टेडियम है, तो अभी हम इधर को ही आए हैं। ये देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया था उनके नाम पर ये स्टेडियम है रांची स्टेडियम, और सबसे मेन चीज़ है कि पौड़ी में है। तो चलिए चलते हैं आगे के लिए, हमें जाना है टेंपल। चलो आप लोगों ने स्टेडियम देखा होगा, अंदर जाने का टाइम नहीं है क्योंकि यार समय की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हमको आज ही कोटद्वार को निकलना है, तो इसीलिए बस आप लोगों को दिखाना था, दिखा लिया। सामने देख रहे हैं आप हिमालय में पूरी की पूरी बादल किस तरह से छा रखे हैं, क्या ये बोले। और ये आप देख रहे होंगे मेरे सामने सबसे पहला व्यू ये क्यों कालेश्वर महादेव मंदिर का पहला व्यू है, और ऊपर टेंपल है। तो यहीं पे गाड़ी लगाते हैं और चलते हैं, पहले दर्शन करते हैं। सो यार फाइनली पहुंच चुके हैं क्यों कालेश्वर महादेव टेंपल में, और यहाँ से पैदल मार गए कम से कम, नहीं तो मुझे लग रहा है 200 से 300 मीटर करीबन पैदल होगा। तो यार रास्ता कुछ इस तरीके से है, जंगल के बीचों बीच में पड़ता है ये क्यों कालेश्वर महादेव, और कुछ इस तरीके का यहाँ पे नज़ारे हैं, काफ़ी सुंदर जगह है। तो चलो मंदिर के लिए बढ़ते हैं आगे। एकदम खड़ी चढ़ाई है, मस्त, कोई नहीं आएगा थोड़ा सा ये। एक प्रवेश द्वार आपने पीछे देखा होगा, दूसरा प्रवेश द्वार ठीक मेरे सामने, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सो यार मंदिर पहुँच गए, यहाँ से मंदिर का पहला व्यू दिखा है, मैं दिखाता हूँ आपको, काफ़ी बढ़िया मंदिर है, लग तो सही रहा है। लेट्स गो। सबसे पहला व्यू क्यों कालेश्वर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, लेट्स गो। ये देखिए सामने सामने का व्यू, पहुंच चुके हैं मंदिर में, इधर पे जूते चप्पल उतारने का है, थोड़ी सांस करते हैं नीचे एंड देन आपको करवाते हैं दर्शन। इतना बड़ा यहाँ पे ढोल है, बहुत ही सुंदर, शायद से जब आरती होती होगी उस टाइम पे बजाया जाता होगा इसे। सो यार मंदिर पहुँच चुके हैं, काफ़ी आपने देखा होगा काफ़ी बढ़िया है, और अभी हम करने वाले हैं पहले दर्शन, आपको भी साथ में दर्शन कराएंगे, और उसके बाद आपको बताऊंगा मैं
इस मंदिर की विशेषता, इस मंदिर की कहानी और इस मंदिर के पीछे जो इतिहास है वो क्या है, वो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं एंड देन उसके बाद बैठते हैं, बैठ के आराम से बात करते हैं। हर हर महादेव। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इधर भी नंदी महाराज, इधर भी नंदी महाराज, और यहाँ पे बहुत सारे नंदी महाराज हैं। ये देखिए, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गणपति बप्पा, काले पत्थर से तराशा गया है इन्हें, काफ़ी यहाँ पे सुंदर दिख रहे हैं। और आगे मुख्य मंदिर है, यहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर के भीतर धूप एवं अगरबत्ती का धुआं श्वास रोग की समस्या करता है, तो धूप यहाँ रखें। तो जब आप यहाँ आएंगे तो आप यहाँ पे धूप अगरबत्ती जला सकते हैं बाहर पे ही, और अंदर आप दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को अंदर ले जाता हूँ। जय हो। यहाँ पर काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें हैं, पुराने पत्थर हैं, ये देखिए आप। जय हो। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी हजारों साल पुराना लगता है। ये देखिए, इसमें कुछ लिखा गया है, कुछ मंत्र हैं, क्या है वो मेरे को पता नहीं, क्या लिखा हुआ समझ में आ नहीं रहे। और एक आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी शिवलिंग है। वाह, देखने में काफ़ी पुराना लग रहा है, ये देख सकते हैं आप। आपको थोड़ा और करीब से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अंधेरा काफ़ी है इसलिए वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी। और वैसे यहाँ पर भी है, ये देखिए। और दोस्तों अंदर एक शिवलिंग है। और दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितना सुंदर यहाँ पे नागराज जी हैं, ये बाबा जी दर्शन दे। और यहाँ पर ये काफ़ी पुराने पुराने शंख हैं जो रखे गए हैं, ये देखिए आप। इनकी बनावट ही आप देख सकते हैं कि कितने पुराने हैं, जब पूजा होती होगी तो इनका इस्तेमाल किया जाता होगा। तो यार काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। और एक पत्थर यहाँ पर भी रखा हुआ है, ये भी काफ़ी पुराना है। इधर साइड में दान पात्र है, आप लोग यहाँ पर दान भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको और अंदर लेके जाता हूँ। जय हो। ये भगवान जी, जय माता दी। तो यहाँ पर ये शिवालय है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप शिव का यहाँ पे लिंग है। ये काफ़ी पुराना लगता है, काले पत्थर का है और काफ़ी अच्छा है। थोड़ा मैं और करीब से आपको दिखाता हूँ, भगवान जी माफ़ करना। ये देख सकते हैं आप। सो यार अभी थोड़ी देर पहले जहाँ मैं अंदर गया था ना, वहाँ पर आप लोगों ने एक काले रंग का जो शिवलिंग देखा जो सबसे एंड में था, वही यहाँ का सबसे मेन मंदिर है। क्यों कालेश्वर महादेव वही हैं, और मेरे को पता नहीं था, मैंने सोचा कि आगे टेम्पल है, बट वो रास्ता अंदर से जा रहा था और आगे जाके मेन मंदिर पे जुड़ा हुआ था, तो वही मेन मंदिर था। आई होप आप लोगों को मंदिर के दर्शन करके अच्छा लगा होगा। तो यार मांग लो जो मांगना है, मन्नतें पूरी होती हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये क्यों कालेश्वर महादेव मंदिर, कितना सुंदर यहाँ पर दिख रहा है, काफ़ी सुंदर यहाँ पे का नज़ारा है। और यहाँ का जो पूरा का पूरा वातावरण है ना, वो भी काफ़ी बढ़िया है। मंदिर देखिए आप मेरे पीछे, कितना सही लग रहा है यार मंदिर। तो चलो कहानी बताता हूँ मैं आपको, बैठते हैं। तो यार आप लोगों ने मंदिर के दर्शन करे होंगे, मंदिर काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। तो यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन भी है, जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर टहल सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जगह है। तो यार अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मंदिर की जो कहानी है, वो मंदिर की कहानी आखिर में है क्या। तो दोस्तों हुआ ये था, जो माता सती थी उनकी शादी शिव जी से हुई थी। जो दक्ष था वो शिव जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। तो उसके बाद क्या हुआ, तो दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था। उसके बाद हुआ ये कि सारे देवताओं को, सबको बुलाया गया सारे देवताओं को, लेकिन शिव जी भगवान को दक्ष ने नहीं बुलाया। तो लेकिन जो सती माता थी, वो दक्ष की पुत्री थी, वो जीत करके शिव जी से लड़के उस यज्ञ में चली गई। तो हुआ ये, उसके बाद वहाँ पर दक्ष ने शिव जी को बहुत बुरा भला कहा, और सती माता को बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उनके पति के बारे में ये सब कुछ कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई,
तो उन्होंने क्या किया, जो वहाँ पर महायज्ञ हो रहा था उसी यज्ञ में उन्होंने अपना देह त्याग दिया, वो भस्म हो गई वहीं। तो जब शिव जी को ये सब पता चला तो शिव जी भगवान बहुत क्रोधित हो गए थे। जब क्रोधित हो गए तो वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने क्या किया, दक्ष का गला धड़ से अलग कर दिया। तो दोस्तों उसके बाद शिव जी ने काफ़ी तांडव किया, वो काफ़ी गुस्से में थे। तो फिर भगवान विष्णु आए वहाँ पर, भगवान विष्णु ने शिव जी भगवान से विनती की कि यार जी जो भी मतलब ये हुआ है ये सब गलत है, आप दोबारा से दक्ष को जिंदा कर दीजिए। तो उसके बाद क्या क्या होता कि दक्ष के सर पे एक बकरे का सर लगा दिया। जहाँ ये सब चीज़ चल रही थी वहीं एक किनारे पर एक और कहानी जन्म हो रही थी, एक और कहानी पनप रही थी। वो कहानी ये थी कि ताड़कासुर जो नामक राक्षस था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, ऊपर उठ रहा था, वो तपस्या कर रहा था। तपस्या इस चीज़ की कर रहा था, उसको अमरत्व का वरदान चाहिए था। तो उसने क्या किया, उसने वरदान ये मांगा, उसको पता था कि शिव जी वैरागी हो चुके हैं, उनका कोई पुत्र हो नहीं सकता। तो उन्होंने मांगा कि शिव जी से कि जो शिव का पुत्र होगा वो उसके द्वारा मेरा वध होगा, बाकी मुझे कोई नहीं मार सकता। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो दोस्तों उसके बाद ताड़कासुर ने क्या किया कि तीनों लोगों में अपना कब्जा कर लिया, हमला कर दिया देवी देवताओं को, मतलब काफ़ी परेशान कर दिया था। तो दोस्तों लास्ट में क्या हुआ, जो ताड़कासुर था, ताड़कासुर गया यमराज के पास, तो उसने यमराज के साथ युद्ध किया। यमराज के साथ जब युद्ध हुआ तो युद्ध के दौरान क्या था कि यमराज वहाँ से भाग के इस जगह पर आके छुप गए और उन्होंने यहाँ पर आकर क्या किया, यहाँ पे उन्होंने कई वर्षों तक कई सदियों तक तपस्या की शिव जी भगवान की। और इतनी तपस्या की कि मतलब जो उनका शरीर था वो पूरा कंकाल रूप में हो गया था। तो जब शिव जी भगवान ने ये सब चीज़ देखा तो उनसे बिल्कुल भी देखा नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पर आके यहाँ पर आके मतलब जहाँ पर हम इस टाइम पे हैं यहाँ पर आके उन्होंने जो यमराज जी थे उनको दर्शन दिए और उनको वरदान दिया कि आप भक्ति और मुक्ति का वरदान दिया कि मतलब आप के यहाँ मतलब आप मुक्ति देंगे जो कुछ भी है। तो यार यही यहाँ की कहानी है, यही सब कुछ है। तो ये काफ़ी पौराणिक मंदिर है और काफ़ी बढ़िया मंदिर है। तो यार हो गए हैं मंदिर के दर्शन, आप लोगों ने भी कर लिए और हमने भी कर लिए, मन को शांति मिल गई और आपके मन को भी ज़रूर शांति मिली होगी। तो यार अभी जाना है हमने नागराज टेम्पल, तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप भी अपना ध्यान रखिए, हम भी अपना ध्यान रखते हैं। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।